उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की 2 से 3 सूचियां भी जारी कर दी। चुनाव के बाद सभी लोगों को राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को एक ही चीज का इंतजार है और वह है सत्ता कि आखिर सत्ता किसको मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, सभी ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लिया है और सभी सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी से जब सत्ता में उनकी सरकार बनेगी या नहीं इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यह भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगने का काम कर रही हैं। महासचिव प्रियंका गांधी से एक न्यूज चैनल के एंकर ने जब पूछा कि वह अखिलेश के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात को स्वीकार किया और कहा कि हम अखिलेश के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, अगर परिस्थिति आई तो गठबंधन स्वीकार किया जाएगा, लेकिन हमारी शर्त रहेगी कि हम युवाओं, महिलाओं के मुद्दे को लेकर आम चुनाव में उतरे हैं, वह एजेंडा लागू हो। और उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, मेरा मकसद उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे लाकर सशक्त बनाना है। अगर इन सब शर्तों के साथ समाजवादी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करेगी तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और KIA न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।